तो हर किसी का सपना है कि उसका एक अपना घर हो, पर अगर उसी घर में आपको एक कम्युनिटी के जरिए कंट्रोल किया जाए तो क्या होगा? क्या आप उस कंट्रोल से निकल पाएंगे? ये आपको आज की हमारी इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी शुरू होती है सारा नाम की लड़की से, जो कि असील डेल बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट देखने के लिए आई थी। उस बिल्डिंग के सभी लोग बहुत फ्रेंडली थे और वहाँ पर और भी कई लोग अपार्टमेंट में देखने आए हुए थे। उस बिल्डिंग का मैनेजर जेरी सारा को अपार्टमेंट दिखाता है और अपार्टमेंट की वॉल पर सारा कुछ मार्क को नोटिस करती है। वहाँ पर नो स्मोकिंग और नो पेट का रूल था और सारा झूठ बोल देती है कि उसके पास कोई भी पेट नहीं है। सारा एक मोटल में रह रही थी और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सारा ने जेरी से झूठ कहा था। असल में उसके पास में एक कैट थी। सारा अपने पिता से नाराज थी और इसीलिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। अगले दिन सारा को ऑफिस में अपार्टमेंट वालों का कॉल आता है और अपार्टमेंट में रहने के लिए उन लोगों ने सारा को सिलेक्ट कर लिया था। सारा फिर अपने सामान को अपार्टमेंट में शिफ्ट करने लगती है और छुपते छुपते अपने कैट को अपार्टमेंट में लेकर चली जाती है। वो एक ब्रेंड नाम के लड़के से मिलती है जिसका कमरा उसके पास वाला था। अब उसी दिन बिल्डिंग में पार्टी हो रही थी और वहाँ पर सारा मिस स्टेफन, एस्थर और लेस्टर से मिलती है। सभी सारा के साथ में बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, लेकिन सारा को लेस्टर कुछ क्रीपी लग रहा था। लेस्टर सारा को कम्युनिटी की एक बुक द पावर ऑफ कम्युनिटी पढ़ने के लिए देता है, लेकिन सारा उस बुक को एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर रात को सारा ठीक से सो नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी मेडिसिन खत्म हो चुकी थी और बिना मेडिसिन के वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिस वजह से वो सो नहीं पा रही थी। सारा अगले दिन एक मैट्रेस अपने अपार्टमेंट में लेकर आई थी और ब्रेन उस मैट्रेस को उठाने में उसकी मदद करता है, पर सारा उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर नहीं आने देती है क्योंकि उसके अपार्टमेंट में एक बिल्ली थी। अब हर रात सारा उन आवाज़ों की वजह से सो नहीं पाती है और एक रात को वो नोटिस करती है कि उसके अपार्टमेंट का डोर खुला था और वो जल्दी से उसे बंद कर देती है। रात को नींद नहीं आने की वजह से सारा दिन भर थकी हुई महसूस कर रही थी और तभी कोई एक लेटर उसके अपार्टमेंट के अंदर डालकर चला जाता है। वो एक वार्निंग लेटर था क्योंकि सारा ने उस अपार्टमेंट का रूल तोड़कर एक पेट को रख लिया था। सारा को समझ में नहीं आ रहा था कि किसी को भी उस कैट के बारे में कैसे पता लगा है। वो बाहर जाकर ये देखते है कि लेटर किसने भेजा था। बाहर उसे लेस्टर दिखाई देता है और उसका शक उसी पर जाता है। उस समय ब्रायन उसके पास में आकर रात के डिनर पार्टी के लिए उसे इन्वाइट करता है और सारा उस पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। सारा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी बॉस उसे बहुत सारा काम दे देती है। अब उसी दिन सारा का अपार्टमेंट देखने के लिए लीजा उसके साथ में आती है, जिस वजह से वो कम्युनिटी की पार्टी में नहीं जा पाई थी। अपार्टमेंट के अंदर सारा और लीजा एक दूसरे से बातें कर रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारा के फादर का अफेयर चल रहा है और इसीलिए वो उनसे नाराज थी और यही कारण था उसके घर के छोड़ने का। वो इस अपार्टमेंट में हो रही आवाज़ों से भी परेशान हो गई थी और ऊपर से उस वार्निंग लेटर से वो और भी ज़्यादा डर चुकी थी। और ये सब बातें सुनकर लीजा सारा को कम्फर्ट करती है। अब उसी रात को सारा को कुछ जलने की गंध आ रही थी और वो उठकर किचन की तरफ जाती है और वो देखती है कि किसी ने उसके कैट को ओवन में जलाकर मार डाला है क्योंकि उसने उस अपार्टमेंट का रूल तोड़ा था और इसीलिए सभी ने उसके कैट को मार दिया है। सारा कुछ समझ पाती है कि तभी ब्रायन उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसे एक चेयर पर बांध देता है। सारा ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा बिहेव करने वाला आदमी उसके साथ में कभी ऐसा करेगा। वो उसे बेहोशी की दवाई देने वाला था, लेकिन सारा किसी तरह अपने अपार्टमेंट से बाहर भागती है और बाहर उसे एस्थर मिलती है। सारा एस्थर से मदद मांगती है, पर एस्थर भी ब्रेन के साथ में मिली हुई थी। सारा को वे दोनों एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बिल्डिंग के बाकी लोग मौजूद थे और ब्रायन उसे बेहोशी की दवाई देकर बेहोश कर देता है। सारा को जब होश आता है तो देखती है कि वो एक बंद कमरे में है और मदद के लिए चिल्लाती है। उसी समय वहाँ पर ब्रायन और जेरी आते हैं। ब्रायन सारा को अपने दोनों हाथ दीवार पर रखने के ऑर्डर देता है। सारा पहले तो उसकी बात नहीं मानती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि ऑर्डर न मानने की वजह से लेस्टर की आंखें फोड़ दी गई है और तब वो ब्रायन की बातें मान लेती है। वहाँ पर एक रेड लाइट था जिसके जले रहने तक सारा को उसी पोजिशन में रहना था और उस पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगे हुए थे। सारा को कोई ढूंढने भी नहीं आया था क्योंकि जेरी ने सारा के फ़ोन से उसके दोस्तों को झूठा मैसेज कर दिया था। सारा बहुत समय तक उसी पोजीशन में खड़ी हुई थी। वो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो वहीं पर गिर जाती है, लेकिन रेड लाइट अभी भी जल रही थी। इस वजह से ब्रायन और जेरी आकर सारा के हाथों को दीवार पर खील से ठोक देते हैं और अब जाकर सारा को समझ आ गया था कि दीवार पर बने वो निशान कैसे आए थे। बहुत समय तक सारा वैसे ही खड़ी रहती है और वो अपने फादर को हेलुसिनेट करने लगती है। सारा अपने हाथ को दीवार पर लगे कीलों से उखाड़ लेती है
उस दर्द की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद में ब्रायन और जेरी वहां पर आते हैं और सारा ने उनके हिसाब से फर्स्ट राउंड पूरा किया था। बाकी सब सारा के हाथ को बैंडेज से बांध देते हैं और बाकी सब के हाथ पर भी वही निशान बने थे, मतलब कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के साथ में ये सब पहले हो चुका है। सारा को अब लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए ब्रायन और जेरी के पास में लेकर जाया जाता है। वो दोनों यहाँ पर सारा से उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ रहे थे। वे दोनों सारा को वही बुक देते हैं जो कि एक बार लेस्टर ने उसे ऑफर की थी। सारा उस बुक को पढ़ने लगती है और उस बुक पर उनकी बिल्डिंग की कम्युनिटी के बारे में लिखा हुआ था। उनकी कम्युनिटी दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थी। उनकी कम्युनिटी के चार फाउंडेशन थे। पहला था सेल्फलेसनेस, दूसरा था एक्सेप्टेंस, तीसरा ओपननेस और चौथा सिक्योरिटी। अगले दिन जब सारा से बुक के बारे में पूछा जाता है तो बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देती है। सारा को बच्चों के क्लासरूम में ले जाया जाता है जहाँ पर बच्चे कम्युनिटी के बारे में एक वीडियो से सीख रहे थे कि चार्ल्स नाम के एक आदमी ने इस कम्युनिटी को बनाया था। धीरे धीरे सारा कम्युनिटी के चार फाउंडेशन को समझने लगती है। जेरी और बाकी सब भी अब सारा पर विश्वास करने लगे थे। वे लोग कम्युनिटी के कुछ काम सारा को करने के लिए देते हैं और यहाँ पर सारा नोटिस करती है कि सभी अपार्टमेंट पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और जिस आवाज़ों की वजह से सारा सो नहीं पाती थी वो असल में यही लोग किया करते थे। यहाँ पर बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ था। सारा ब्रायन से पूछती है कि उनको कौन देख रहा है, लेकिन ब्रायन को कुछ पता नहीं था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। एक दिन सारा मॉनिटर पर बेहोश करती है कि मिस स्टेफन अपने अपार्टमेंट में बेहोश हो चुकी है और वो इस बारे में ब्रायन को बताती है। सभी मिस स्टेफन की मदद करने जाते हैं और जेरी सारा की तारीफ करता है क्योंकि वो सब कम्युनिटी के लोगों की चिंता करने लगी थी। उस बिल्डिंग में सभी लोग मिस स्टेफन से मिलने जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर मिस स्टेफन की तारीफ करते हैं जो भी उन्होंने इतना साल में इस कम्युनिटी के लिए किया है। तभी वहाँ पर गैस सिलेंडर लाया जाता है और वो देखकर सारा डर जाती है। ब्रायन सारा को समझाता है कि मिस स्टेफन अभी बूढ़ी हो चुकी है और वो अब इस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकती है। मिस स्टेफन को देखकर यही लग रहा था कि उनको पहले से ही इस बारे में पता है और उस गैस से मिस स्टेफन को मार दिया जाता है और वो भी खुशी खुशी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। सारा को मजबूरी में यह सब कुछ चुपचाप देखना पड़ता है। ब्रायन सारा को कहता है कि इस कम्युनिटी ने उसकी बहुत मदद की है और वो भी धीरे धीरे इस बात को समझ जाएगी। अगले दिन सारा पूरी तरह से उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाती है और सारा के कान के पीछे गर्म लोहे से उस कम्युनिटी का सिंबल लगा दिया जाता है। कम्युनिटी पर मौजूद सभी लोगों के कान के पीछे वही निशान थे और सारा की शादी भी यहाँ पर लेस्टर के साथ में कर दी जाती है क्योंकि लेस्टर की वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी और डर के मारे सारा किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं कर पा रही थी। अब से सारा को लेस्टर के साथ ही एक अपार्टमेंट पर रहना होगा। लेस्टर फिर सारा को बेड की तरफ बुलाता है और उसी समय सारा को जेरी भी बुलाता है क्योंकि सारा के फादर उससे मिलने आए हुए थे। जेरी सारा को वार्निंग देता है कि अगर सारा ने अपने फादर से कुछ भी कहा तो उन्हें मार दिया जाएगा और साथ ही सारा को ये कन्फर्म करना होगा कि उसके फादर उससे फिर कभी मिलने नहीं आए। सारा अपने पिता के पास जाकर उन्हें मजबूरी में बहुत बुरा भला कहती है, नहीं तो वे लोग उसके फादर को मार डालेंगे। सारा के फादर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और वापस कभी भी सारा से मिलने नहीं आने वाले थे। रात को लेस्टर सारा को कहता है कि किस तरह वो इस कम्युनिटी से भागना चाहता था और कई बार उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। तब उसकी आंखें छीन ली गई थी और अब वे लोग मजबूर थे इस लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए। एक दिन सारा ये नोटिस करती है कि नया अपार्टमेंट देखने के लिए वहाँ पर उसकी दोस्त लिसा भी आई है, पर अपने फ्रेंड के लिए वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लिसा को उस अपार्टमेंट में रहने के लिए सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। धीरे धीरे वे सभी सारा के साथ में की गई चीज़ों को लिसा के साथ में करने लगते हैं और सारा जेरी को वार्न करती है कि लिसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उनसे ज़रूर लड़ाई करेगी। लिसा को पकड़ने पर लिसा ब्रायन के कान को बाइट कर लेती है और जेरी सारा को लिसा के पास भेजता है ताकि वो उसे समझा पाए, लेकिन लिसा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब जेरी लिसा को सजा देने के लिए उसके कान में स्क्रू ड्राइवर घुसाने वाला था, लेकिन सारा हिम्मत करके वही स्क्रू ड्राइवर जेरी के गले में घुसा देती है। सारा और लिसा वहां से भाग ही रहे थे कि इतने में जेरी लिसा को गोली मारकर उसे मार डालता है और गुस्से में सारा स्क्रू ड्राइवर से जेरी पर कई बार वार करके उसे मार डालती है और गन और गेट की चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। कम्युनिटी के बाकी लोग सारा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज सारा को रोक पाना नामुमकिन था। ब्रायन सारा को समझाने के लिए आ रहा था, लेकिन सारा उससे ही गोली मार देती है और ब्रायन मारा जाता है। सारा गेट से भागने वाली थी कि उसे पकड़ लिया जाता है और लेस्टर उससे वो गन छीन लेता है, पर वो सारा को नहीं उस आदमी को गोली मार देता है जिसने सारा को पकड़ा हुआ था। लेस्टर सारा की उस बिल्डिंग से निकलने में मदद करता है। लेस्टर को पता था कि इसके बाद में उसे बहुत भयानक सजा दी जाएगी
और इसीलिए वो खुद को गोली मार लेता है। सारा सड़क पर आकर ये नोटिस करती है कि आसपास की बिल्डिंग में वही रेड लाइट जल रही है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें कम्युनिटी बसी हुई है। ये कम्युनिटी शहर के कई कोनों में बसी हुई थी और कौन उसे चला रहा था ये किसी को पता नहीं चलता है। सारा अब पागलों की तरह हंसती है और रोड पर भागने लगती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में असील और डेल नाम की बिल्डिंग में सारा एक अपार्टमेंट रेंट पर लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर एक सीक्रेट कम्युनिटी है। लोगों को कम्युनिटी में शामिल करने के लिए बहुत टॉर्चर किया जाता है और उनकी कम्युनिटी में किसी को कोई भी बात छुपाने की इजाज़त नहीं थी और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ अपना रिश्ता भी तोड़ना पड़ता है। लेकिन सारा हिम्मत करके किसी तरह वहाँ से भाग निकल आई थी, पर जब उसे पता चला कि शहर में और भी कम्युनिटीज ऐसी है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो कभी भी चाह कर भी यहाँ से भाग नहीं पाएगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।